करते हुए चार आदमी को भी 40 साल से कम उम्र के अंडर 40 मर रहे हैं, तो जितनी देर से आप यहाँ बैठे एक घंटा दो घंटा हमारे मुल्क में चार आदमी या आठ आदमी या 12 आदमी इंतकाल कर चुके, अब तक हमारा नंबर नहीं लगा ये ना कैसा। अगले एक घंटे में वो चार मारने वाले कौन, उसके बाद वाले एक घंटे में चार हार अटैक आने वाले कौन, हम नहीं जानते, ये हमारा परवरदिगार था। तो इसलिए ये मौके जिंदगी में बार बार आएंगे, जब इन महफिलों में शिरकत का मौका मिले ना, अल्लाह तौफीक देना तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करे, और इन महफिलों में कानों के चस्के के लिए नहीं, तफरी के लिए नहीं, भीड़ भाड़ या मेला देखने के लिए नहीं, बल्कि दीन की बातें सुनने और अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए से आया करेंगे इंशाअल्लाह। मैं उल्मा की मौजूदगी में गलत बात दर्ज करूंगा, माजरत की मेरे प्यारे अल्लाह के पैगंबर अक्सर यूपी बिहार के जश्न होने की बात दर्ज करता हूं, आपके यहाँ यूपी में बिहार में झारखंड में वेस्ट बंगाल में शायद ही कोई गांव ऐसा होगा कि जिस गांव का सालाना जलसा नहीं होता, हर गांव में सालाना जलसे होते हैं। आज यहाँ हो रहा है, कल 25-30 किलोमीटर दूर 50-60 किलोमीटर दूर कहीं और होगा, ये हमारे उलमा जाते रहते हैं, नाथुआ हजरात जाते रहते हैं, अइमा जाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे आका के पैगंबरों कभी कभी किसी ऐसे इलाके में भी जाने का मौका मिलता है जहाँ कमेटी वाले हमें बताते हैं कि हजरत हमारे गांव का ये 25वां जलसा है, इसको हमारे दादा ने शुरू किया था, दादा के बाद पूरी जिंदगी अब्बा करते रहे, अब्बा के बाद अब हमने जिम्मेदारी संभाली है, और पिछले 18 साल से हम तक नहीं है, उसके पहले दादा उसके पहले बारिश साहब, मेरे प्यारे अल्लाह के मेहमान हो, मैं बहुत माजरत के साथ कहूंगा हमारे गांव में यूपी बिहार में जलसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जलसों में जाने के बाद आने वाले मजमे के हालात को देखकर मजमून ये कहना पड़ता है कि जिन गांव में 10-20-25-30 साल से जलसे हो रहे हैं, उन गांव के जलसे में आने वाले लोगों को ये भी तमीज नहीं है कि अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की महफिल में नंगे सर नहीं आना चाहिए, बल्कि इस महफिल में मुअद्दब होकर आना चाहिए। जलसों की कोई कमी नहीं, लेकिन जलसे में आने के आदाब ही नहीं होगी, लोग कानों के चस्के के लिए आते हैं, लोग चुटकुले सुनने के लिए आते हैं, लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, लोग तफरी के लिए से आते हैं, लोग किसका उसका नाम सुनकर आपके चलो आ रहे तो चलो हम भी चलते हैं। मेरे प्यारे आका के पैगंबर याद रखे, मेरे आका फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान इल्म की तलब में अपने घर से निकलता है तो बजाई को जमीन पर चलता है, हकीकत में वो जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चल रहा होता। आज आप बजाई को इस गली से होते प्यारे, लेकिन नियत अगर इल्म हासिल करने की है तो आप अपने गांव की गली से गुजर कर नहीं आए, नबी फरमाते हैं कि जन्नत के रास्ते से होते प्यारे। और मैंने पिछले साल कहा था मुझे याद, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की महफिल को सिर्फ जिक्र की महफिल नहीं फरमाई, मेरे नबी फरमाते हैं कि जहां मुसलमान जमा होकर अल्लाह का जिक्र छेड़ देते हैं, अल्लाह जमीन के उस टुकड़े को जन्नत का बाग बना देता है। आप जन्नत के रास्ते से होते हुए जन्नत के बाग में आकर बैठे हैं, कहां बैठे हैं के पैगंबरों को ना का शुक्र अदा करें। हम उस नबी के मानने वाले में अक्सर के तौर नाजर के साथ, हम उस नबी के मानने वाले कोई बुरा ना माने और पर्सनली न दे किसी को टारगेट नहीं करें, हम उस नबी के मानने वाले हैं जो नबी दस्तरखान पर कभी नंगे से नहीं बैठते, जो नबी कभी वॉशरूम में टॉयलेट बाथरूम में नंगे से नहीं जाते, जो नबी बाजार में कभी नंगे से नहीं जाते, जो नबी कभी मैदान जंग में नंगे से नहीं जाते। आज उसी नबी का कलमा पढ़ने वाली कौम उनके जिक्र की महफिल में नंगे से आकर बैठता है। कोई कुर्ता खा रहा होता है, कोई जर्दा खा रहा होता है, कोई माला पहन रहा होता है, ये पोजीशन है। तो जहां सदियों से जलसे हो रहे, सदियों के जलसे के बावजूद भी अगर कौम ने इस महफिल में आने के आदाब तक नहीं सीखे हैं, तो मैं क्या तवज्जो करूं कि कौम ने और क्या सीखा हो।
जब महफिल में हमें व्यवहार ही नहीं पता तो क्या सीखा होगा। कभी कभी कह लो बैठ जाए बैठ जाए, लोग मैं कहता हूं उनको खड़े रहे, जिनको ऐलान समझ में नहीं आता उनको बयान के हाथ समझ में आएगा। एक रिक्वेस्ट समझ में नहीं आती कि बैठ जाओ, शोर मत करो, धक्का मुक्की मत करो। जब मामूली रिक्वेस्ट समझ में नहीं आती, लंबी चौड़ी गुफ्तगू कहां से समझ में आओ, कुरान हदीस कहां से समझ में आओ। मेरे प्यारे आकाश के पहलवान, ये चंद बातें मैंने आपको तमीम के तौर पर समझाने के लिए रखी। जब भी कभी ऐसी महफिल में आए, अल्लाह के घर में जाए, दस्तरखान पर खाने के लिए बैठे, टॉयलेट बाथरूम में जाए, तो ख्याल करके सर को डांप कर रखा करेंगे क्या इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आकाश के पहलवानों, अगर आप अमेरिका में बैठे होते, लंदन में बैठे होते, तो मैं कहता चलो यहाँ का माहौल नहीं के बात समझ जाती है, यहाँ का मुसलमान भी जेंटलमैन है, सूट बूट वाला है, लेकिन आप तो ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ मुसलमानों की आबादी है, जहाँ सुबह शाम 5 वक्त अजान की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पता चलता है कि रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, कि रबी अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है, जहाँ पता चलता है कि आज कौन सी रात है, आज कौन सा दिन है, आज कौन सा महीना है, आज कौन सी तारीख है। अगर ऐसे माहौल में रहकर भी मुसलमान कुरान और सुन्नत पर अमल नहीं करेगा तो आप बताइए इस माहौल से दूर जाएगा तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। जब इस माहौल में भी अमल करने को तैयार होगा, मेरे प्यारे आका के पहलवान, अब अगर हर एक घंटे में पहुंचे ना, हर एक घंटे में 4 आदमी हर तक से मर, आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं शादी के स्टेज पर नाच रहे, नाचते नाचते हार्ट अटैक आ गया। सोशल मीडिया पर देखा हट्टा कट्टा जवान किसी जिम के अंदर हेल्थ क्लब के अंदर वेट लिफ्टिंग कर रहा है और वेट लिफ्टिंग करते करते उसको हार्ट अटैक आ गया। गूगल पर सर्च करिए आप, क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते खेलते भागते भागते हार्ट अटैक आ गया। ऐसे में हम कल भी जिंदा हो, आज भी जिंदा हो, ये बताइए हमारा कमाल है कर्म का कर्म है। कल भी जिंदा रहे कैसी कोई गारंटी है? याद रखना धड़कने तेरी मेरी मर्जी से नहीं चलती, मौला की मर्जी से चलती है। ये सांसें तेरी मेरी मर्जी से नहीं चलती, मेरे रब की मर्जी से चलती है। ये जिस से रूह का रिश्ता हमारी मर्जी से नहीं छुड़ा, मेरे मौला ने जोड़े रखा। रात सोने वाले हर एक को अल्लाह सुबह उठने की मोहलत नहीं देता, और हर सुबह सोकर उठने वाले को अल्लाह दोबारा सोने की मोहलत नहीं देता। वो जो बीवी बच्चों से जुदा होकर 4 पैसे कमाने की गर्ज से घर से निकलते हैं, वो लौट कर भी घर आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, और जो घर आ गया फिर घर से निकल सकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वह सरकार मदीना के पहलवानों, अल्लाह का शुक्र अदा करे, ये सांसें चलाने वाला मेरा परवरदिगार है, ये दिल को धड़काने वाला मेरा परवरदिगार है, ये रगों में खून को चलाने वाला मेरा परवरदिगार है, ये जिस्म के जोड़ों को ताकत देने वाला मेरा परवरदिगार है, ये जबान को बोलने की कान को सुनने की आंख को देखने की सलाहियत देने वाला मेरा परवरदिगार है। आप बताइए जब अल्लाह ने हमें इतनी नियमतें अता की है तो अल्लाह की नियमतों को पाने के बाद हमें अल्लाह की इताअत करनी चाहिए या अल्लाह की बगावत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? लेकिन माजरत के साथ कहूंगा हम मुसलमानों की पोजीशन जानते क्या, आज के मुसलमानों का हक है, हम अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। हमने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। खालिक है तो वो, मालिक है तो वो, राजिक है तो वो, जिंदगी मौत पर कुदरत रखने वाला है तो वो, इज्जत को जिल्लत देने वाला है तो वो। हमने अल्लाह का कलमा पढ़ा, उसकी वहदानियत का एहसास किया, हम अल्लाह को तो मानते हैं अल्लाह की नहीं मानते। मेरे प्यारे आकाश के पहलवानों, जब सारी नियमतें हम मानते हैं कि अल्लाह ने हमें दी, इसने दिया है किसी एक्स वाई सेट ने नहीं, जो अल्लाह को मानते हैं उन्हें भी नियामत देने वाला अल्लाह, जो अल्लाह को नहीं मानते उन्हें भी सब कुछ खिलाने पिलाने वाला देने वाला कौन है? अल्लाह के शरीर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपकी आदत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी कभी बिना मेहमान के खाना नहीं खाया। आप जब भी खाने के लिए बैठते किसी न किसी को दावत देते, साथ बिठा कर दिया,
किताबों में आता है कभी कोई मेहमान घर न आता तो तलाश करने के लिए अपने मुल्क की सरहद तक पहुंचा था, किसी मुसाफिर को ढूंढ कर आता। एक मरतबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक शख्स को ढूंढ कर लेकर आए, आपने कहा मेरी दावत कबूल कर चल मेरे साथ खाना खाओ, मैं अकेले नहीं खाता चल तू मुझे। उस आदमी से कहते चल चल कर खाना खा ले, वो कहता मैं नहीं आता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तू खा लेगा तो बहुत अच्छा होगा, जो नाराजगी हुई उसको छोड़ दे, उससे जो कुछ हुआ उसको भूल जा, चल चल कर खाना खा ले। उसने कहा इब्राहिम मैं तो तेरे रब का नाम नहीं लेता, इसके बावजूद तो मुझे इसरार करके बुलाता है, आखिर मेरे पीछे पीछे भाग कर आया और मुझे फिर दोबारा ले जाता है, वजह क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दरअसल जब तू मेरे घर से भूखा निकला था, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और जिब्रील के जरिए मुझे हुक्म दिया गया मेरा बंदा मेरा नाम ले न ले, इतनी उसको बिलाओ खाना खिला, मैं इसलिए तुझे बुलाने के लिए आया हूँ। अब जानते हो जब बंदे ने ये सुना तो क्या कहता है? कहता इब्राहिम अगर तेरा रब वाकई ऐसा है मैं उसका नाम लेने को तैयार नहीं। इतनी को कहता है कि खिला खिला, अगर इब्राहिम वाकई तेरा रब ऐसा है तो खाना बाद में खाऊंगा, सबसे पहले तेरे रब का कलमा पढ़ूंगा। उनका खाली को मालिक भी अल्लाह और जो नहीं मानते उनका भी खाली को मालिक अल्लाह। तो सारी नियामतें हमने किसने अता की और बुलंद आवाज से कहीं किसी को कोई डाउट तो नहीं, सारी नियामतें देने वाला अल्लाह, जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ मिल चुका, जो मिलने वाला है, ये सब कुछ हमें हमारे करीब रब ने अता किया। मेरे प्यारे अल्लाह के पैगंबरों, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह कयामत में तुमसे अपनी नेमतों का हिसाब देगा। अल्लाह ने जो कुछ दिया आपने तस्लीम किया कि ये सब कुछ देने वाला अल्लाह, तो सब कुछ देने के बाद अल्लाह कयामत में हमसे नेमतों का हिसाब लेगा। और जानते हैं कैसे हिसाब लेगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम पानी को जाया मत करो, तुम जो पानी इस्तेमाल करते हो अल्लाह कयामत में तुमसे पानी के एक कतरे का हिसाब लेने वाला है। बल्कि एक मकाम पर मेरे नबी ने यहां तक फरमाया अगर तुम समंदर के किनारे वजू करते हो, समंदर है वहां वजू करते हो तो भी पानी को जाया मत करो, नबी फरमाते अल्लाह तुमसे कयामत में उस पानी का भी हिसाब लेगा। अब जरा बताओ मेरी कौम के जवानों, जब कयामत में अल्लाह पानी का हिसाब देगा क्या हमारी जवानी का हिसाब नहीं लेगा? क्या हमारी 40-50-60 साल जिंदगानी का हिसाब नहीं लेगा? जो कुछ अल्लाह ने दिया है, जिस पर अटलते हो, जिसकी वजह से बड़े बने फिरते हो, जिसकी वजह से लोग इज्जत करते हैं, जिसकी वजह से आपको ओहदे मिल गए हैं, जिसकी वजह से लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं, यकीन जानो मुसलमानों ये सब कुछ अल्लाह ने अता किया है। और जो कुछ भी अल्लाह ने अता किया है अल्लाह ने हमको दिया है, मालिक हम नहीं है, मालिक मेरा परवरदिगार है, हमें नेमतें रब ने दे दी ये उसका करम और एहसान है, हम मालिक नहीं है, मालिक देने वाला अल्लाह है और कयामत में अल्लाह हमसे अपनी एक एक नेमत का हिसाब देने वाला है। मैं मिसाल देता हूं, एक शोहर अपनी बीवी को घर खर्च के लिए महीने के 8-10 हजार रुपए देता है, तो बीवी को घर खर्च के लिए जो पैसे देता है घर चलाने के लिए उसका उससे हिसाब लेता है कि नहीं लेता है? कॉलेज जाने वाले बेटे बेटी को अगर माँ बाप पॉकेट मनी देते तो क्या बताइए माँ बाप बच्चों से पैसे का हिसाब देते हैं कि नहीं देते? अगर एक बीमारी दुकान के काउंटर पर नौकर को बिठाता है और कहता है मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, मेरी गैर मौजूदगी में दुकान का धंधे का माल का पैसे का क्या है, 10 दिन के बाद वापस आऊंगा तो हिसाब दूंगा। अब मालिक नौकर के भरोसे दुकान छोड़कर 10 दिन के लिए चला गया दूर पर, अब नौकर जिसकी तभी आप जाना काउंटर पर बैठा पहली बार जब गले पर बैठा देखा पहले दिन 32 हजार का गल्ला होगा, दूसरे दिन 58 हजार का गल्ला होगा, तीसरे दिन त्योहार का दिन था 85 हजार का गल्ला होगा। अब वो नौकर बैठे बैठे देख रहे मेरी तनख्वाह पहुंचेगा,
लेकिन सेहत के रोजाना इतना कम हो रहा है, पहले दिन 32, दूसरे दिन 62, चौथे दिन 80। अब उसके दिन में लालच पैदा हो, अब उसने क्या किया, उसने 200 रुपए निकाल कर जेब में रखे, चौथे दिन इसने फिर 500 रुपए निकाल लिया, छठे दिन उसने 1000 रुपए निकाल लिया। आप बताइए, हर रोज वो कुछ न कुछ गन्ने में से चोरी कर रहा है। अब 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, अब 10वां दिन उसे पता है कि कल सुबह मालिक वापस आने वाला, और जब मालिक वापस आएगा तो माल का भी हिसाब लेगा, दुकान का भी हिसाब लेगा, गन्ने का भी हिसाब लेगा। अगर जो उसने चोरी इस तरह से की है कि उसको खबर न चले, लेकिन फिर भी दिल में खटका होगा तो नहीं होगा, मैंने जो चोरी की है अगर सेठ को पता चल गया तो क्या होगा, रुसवाई भी होगी, नौकरी भी चलेगी, तनख्वाह जो मेरी बाकी है वो भी नहीं मिलेगी, उल्टा मुझे हो सकता है जेब से पैसे भटक भी देने पड़े। अब जैसे जैसे मालिक के आने का वक्त करीब आएगा, उस नौकर के दिल की धड़कने तेज होती चली जाएंगी, अब कलई खुलने वाली है, अब चोरी पकड़ी जाने वाली है, अब मेरी बेइज्जती होने वाली है। ऐसे कार्य मदीना के तक मानो, आप बताइए किसने दुकान के गले पर बैठकर चोरियां की होगी। जैसे जैसे हिसाब किताब का वक्त करीब आएगा, वैसे वैसे दिल की धड़कने बढ़ती जाएंगी, घबराहट बढ़ती चली जाएगी, अब चोरी के पकड़ने पकड़े जाने का दिल में डर पैदा होगा। लेकिन उसके बरस एक ऐसा नौजवान है जो कि ईमानदार है, दुकान के गले पर बैठता है, शेख के रोजाना 1 लाख मांगता हो, 2 लाख मांगता हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मालिक नहीं, मैं नौकर हूँ, मेरा ताल्लुक सिर्फ अपनी 8000 की तनख्वाह से है, शेख कितना कमाता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ईमानदारी के साथ बैठता है, आज कितना बिका वो भी लिखता है, आज कितना पैसा आया वो भी लिखता है, कितना माल खरीदा वो भी लिखता है, 1-1 रुपए का 1 माल का हिसाब रखता है। अब जब मालिक के आने का वक्त करीब आएगा, उसके दिल में डर पैदा नहीं होगा, क्योंकि उसने चोरी नहीं की है, उसने घोटाले नहीं किए है, उसने कोई फ्रॉड नहीं किया है, बल्कि वो कहेगा मालिक 10वें दिन नहीं, हफ्ते भर के बाद भी आता है, दोपहर के 2 बजे नहीं, रात के 2 बजे भी मेरा दरवाजा खटखटाए और मुझसे हिसाब मांगे, मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने चोरी नहीं की है, मैंने बगावत नहीं की है। ऐसे कार्य मदीना के पैगंबरों, यही हाल हमारा और आपका है। अल्लाह तआला ने हमें जमीन पर भेजा, हमें 40-50-60 साल जिंदगी दी, अपना चेहरा दिया, अल्लाह ने हाथ पैर में ताकत दी, अल्लाह ने नाम उत्पाद दिया, अल्लाह ने सब को नाम दिया, लेकिन जमीन पर आने के बाद हमने घोटाले किए, अल्लाह की नाफरमानी की, हमने अल्लाह से बगावत की, और यही वजह कि जैसे जैसे दाढ़ी सफेद होती है, जैसे जैसे जोड़ों में दर्द पैदा होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है और मौत करीब आती चली जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, मौत का चक्री में पैदा हो जाता है, उसकी वजह के मरेंगे तो कलई खुल जाएगी, मरेंगे तो जिंदगी भर के गुनाहों से पर्दा उठ जाएगा, मरेंगे तो की बाजार में जिंदगी भर का हिसाब किताब देना पड़ेगा, और फिर नतीजा क्या होगा, हम गिरफ्तार कर दिए जाएंगे, हमको जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। हमने जमीन पर आने के बाद अल्लाह से बगावत और अल्लाह की नाफरमानी की, यही वजह कि हमें मौत से डर लगता है, लेकिन औलिया सूफिया की जिंदगी को उठा कर देख ले, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने जमीन पर आने के बाद अपनी जिंदगी का एक लम्हा भी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं गुजारा है, अपने मौला की मर्जी के मुताबिक गुजारा है, की मर्जी के मुताबिक वो मरे हैं, तो मौला की मर्जी के मुताबिक, और यही वजह है कि जब उम्र बढ़ती है, मौत करीब आती है, मौत का फरिश्ता सामने आकर खड़ा होता है, तो दिल की धड़कनें तेज नहीं होती, उनके दिल में मौत का डर पैदा नहीं होता, उसकी वजह वो जानते हैं हमने जमीन पर आने के बाद रब रसूल की नाफरमानी नहीं की, हमने जमीन पर आने के बाद अल्लाह रसूल से बगावत नहीं की, और वो जानते हैं मौत वो सीढ़ी है कि जिस सीढ़ी को पार करने के अल्लाह के महबूब से इनका दीदार होने वाला है। बिन देखे जमीन पर जिन पर हम उनको सलाम करते चले आए थे, अब मरने के बाद उनके मुझे सेवा की ज्यादा होना पड़ी है। मुसलमानों यही वजह है, वो मौत से नहीं डरते, हर वक्त मौत को सीने से लगाने के लिए तैयार रहते हैं, और हमारी पोजिशन ये है अगर किसी को तीसरा अटैक भी आ जाए और सिरहाने बैठ कर कोई अयादत करने वाला कहे, अल्लाह फस्ल फरमाए, अल्लाह ईमान पर खात्मा करे, अल्लाह आपका ये आसानी फरमाए, तो वो ये दुआएं पसंद नहीं करता, वो चाहता है कि आने वाले मुझे जिंदगी की दुआ दे, शिफा की दुआ दे, सेहत की दुआ दे, उम्र में बरकत की दुआ दे, जो किस तरह मांग
में सकते हैं, वो भी मौत की तमन्ना नहीं करता। उसकी वजह क्या है? उसे पता है जमीन पर आने के बाद हमने अल्लाह रसूल की नाफरमानी की है। जैसे ही जिस्म से रूह का रिश्ता टूटेगा, अजाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा, मुसीबतों परेशानियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐ सरकार मदीना के पैगंबरों, जब आप सब ये मांगते हो, हमें जो कुछ मिला है सब अल्लाह ही ने अता किया है, तो अल्लाह की नेमतों को पाने के बाद, सुबह शाम अल्लाह की नेमतों को खाने पीने के बाद, अल्लाह की नेमतों को पहनने ओढ़ने बिछाने के बाद अल्लाह की नाफरमानी कैसे करते हो? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल कयामत के दिन हर किसी से पांच सवाल होगा, और जब तक इन पांच सवालों का जवाब न दे, अपनी जगह से पांव कस से मस करने की इजाजत नहीं है। हर किसी से, यानी बिना उलमा से, अमीरों से, पढ़े लिखों से नहीं, हर किसी से पांच सवाल किया जाएगा, और जब तक पांच सवालों का जवाब न दे, अपनी जगह से एक इंच भी पांव को हिलाने की इजाजत नहीं है। अब जानते हैं वो पांच सवाल क्या? सबसे पहला सवाल होगा, बताओ अपनी जिंदगी को तूने किन कामों में गुजारा? हमने तुझे जो जिंदगी दी थी, तूने हमारी दी जिंदगी को किन कामों में गुजारा था, बता। अब बताइए हमारे पास कितने लोग हैं जिनके पास इस सवाल का जवाब मौजूद होगा? मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, बहुत मुआजरत के साथ एक दंत बात कर करना चाहता हूं। आज दुनिया में कौम मुस्लिम के जो हालात है, मैं पर्टिकुलर किसी कंट्री का नाम नहीं लेता, किसी शहर का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा के जो हालात है, इन हालात को, तस्वीरों को, वीडियोज को जब सोशल मीडिया पर देखते हो, तो दिल पर हाथ रखकर जवाब को देखने के बाद अपनी कौम के बच्चों के हालात, अपनी बेटियों के, माओं के, बहनों के हालात, अपने भाइयों के हालात देखकर तुम्हें तकलीफ होती है कि नहीं होती? बताए ये चौदह पुल आदमी को तकलीफ होती है, बाकी को कोई टेंशन नहीं है। खामोश बैठे, बात समझ में नहीं आ रही। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, पूरी दुनिया में जब किसी मुसलमान पर जुल्म होता, जब किसी मुसलमान की आबरू लूटी जाती, जब किसी मुसलमान के घर को तबाह बर्बाद किया जाता, जब किसी की गोद उठाई जाती, जब किसी बेटी को बेवा बनाया जाता, जब किसी सुहागन को अभागन कर दिया जाता, जब किसी माँ बाप से बुढ़ापे का सहारा जवान बेटे की शक्ल में छीन लिया जाता, जब हंसते खेलते घरों पर बर्बारियां होती है, तो क्या बताओ ये मनासिब देखने के बाद तुम्हें तकलीफ होती है कि नहीं होती? लोग कहते होती है, होती है। मैं कहता हूं मुसलमान, अगर कुछ कहते हो अपनी तकलीफ होती है, तो पूरी दुनिया में कौम मुस्लिम के हालात को देखकर तुम्हें तकलीफ होती है, लेकिन इस तकलीफ के वजह तुम करते क्या हो? ये सब कुछ देखकर भी मुसलमानों की शादियों में आज भी डीजे बज रहा है, मुसलमान के बारात में आप भी पता के फूट रहे, आज भी चूल्हा चुराई हो रही, आज भी जगह के नाम पर घर की बुढ़िया बहुएं बेटियां ना चल रही, क्या किया क्या सीखा? कौन कहती है यहूदियों के प्रोडक्ट का बाइकॉट करो, ईसाइयों के प्रोडक्ट का बाइकॉट करो, इस कंपनी का नाम मत लो, इस कंपनी का नाम मत लो। हम कहते हैं वो कौन, कौम मुस्लिम के हालात को देखकर यहूदो नसारा के प्रोडक्ट के बाइकॉट की बात करती है? अरे जिस चीज का अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले बाइकॉट नहीं किया, जब आज का मुसलमान उन चीजों का बाइकॉट करने के तैयार नहीं है, तो बताइए क्या यहूदियों ईसाइयों की कंपनियों के माल का बाइकॉट ये कौन कर सकेगी? क्या अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को हराम करार नहीं दिया? तुम बचते हो क्या? तुमने बाइकॉट किया इसका? अरे वो सहाबा जिनके बाप दादा परदादा सब के सब शराबी थे, जिनकी घुटी में शराब मिला हुआ था, जिन्होंने शराब के माहौल में आके करी थी, शराब के माहौल में पड़े बैठे, वो जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर कलमा पढ़ते मुसलमान
آیات میں اور پھر اللہ نے اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کی آیات پر نازل کیا جب میرے نبی نے حکم دیا شراب آپ سے حرام ہے تو جن کی گھٹی میں شراب ملا ہوا تھا جانتے ہو مسلمانوں نے کیا کیا انہوں نے صرف شراب پینے سے توبہ نہیں کی آج کے بعد نہیں پیئیں گے چلو اب آیات نازل ہو گئی آج کے بعد کبھی نہیں شراب پیئیں گے حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جن کی گھٹی میں شراب ملا تھا جن کے باپ دادا پردادا شراب پیتے تھے جن کے دفتر خان پر حبت شراب موجود رہتی تھی جو ایک ایک ٹکڑا شراب کے گھونٹ کے ذریعے حبت کے نیچے اتارتے تھے جب شراب کو منع کر دیا گیا تو انہوں نے صرف شراب کو نہیں چھوڑا ہے ان کے گھر میں جو شراب بھرا پڑا تھا وہ بھی نکال کر پھینک دیا جن پیالوں میں پینے آئے تھے ان پیالوں کو نکال کر پھینک دیا جن برتنوں میں بھر بھر کر رکھتے تھے ان برتنوں کو نکال کر پھینک دیا لوگوں نے کہا شریعت کی اجازت دی ہے برتن کو دھو کر پاک کر سکتے ہو پیالوں کو پاک کر سکتے ہو ان ڈبوں کو پاک کر سکتے ہو ان کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے شراب پھینک دو برتن کو پاک کر لو انہوں نے کہا نہیں ہم نے کئی سالوں تک اس میں شراب رکھا ہے شراب پیا ہے اب شراب کو حرام کرا دے دیا گیا اب اگر گھر میں یہ برتن ہوگا گھر میں یہ پیالہ ہوگا کبھی نہ کبھی شیطان دل میں اس کو سر ڈالے گا پھر دل لچائے گا شراب پینے کے لیے اس لیے اسے نکال کر گھر سے باہر پھینک دیا آپ ذرا سوچے جن کی گھٹی میں شراب ملا تھا جب اللہ اس کے رسول نے حرام خراب دے دیا جس طرح سے انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے یا شراب کے برتنوں کو نکال کر گھر سے باہر پھینک دیا کیا مسلمانوں تم نہیں جانتے ہو شراب حرام ہے پھر بھی مسلمانوں کی آبادی میں جا کر دیکھو شراب پینے والے موجود ہیں کہ نہیں ہے بتائیے کہ نہیں اپنے گاؤں میں رہتے ہیں تو شراب پیتے ہیں بمبئی کلکتہ دلی بینگلور پر جانے تو چرس بھی پیے ایم ڈی کوریکس وائٹنر بٹن ہیروئن گاؤں گاؤں سے پتا نہیں کرتے سرکار مدینہ کے قصبہ مجھے بتائے اور پر موجود امام حسین کا یزید پلیت کے ساتھ جھگڑا پراپرٹی کو لے کر تھا زمین جائیداد کا تھا بینک بیلنس کا تھا امام حسین اپنا سب کچھ لے کر ظالم کے مقابلے میں آئے کیوں جناب امیر معاویہ کا بیٹا صحابی رسول کا بیٹا ہے پیدائشی مسلمان ہے امیر المومنین بننے کے خواب رکھتا ہے دیکھتا ہے اور شراب پیے گا امام حسین مقابلے میں اب میں نانا کی شریعت سے کھلواڑ کرنے والے کو بڑھا دیا جا سکتا کتابوں میں آتا یزید وہ پہلا مسلمان تھا جس نے چہرے سے داڑھی کو ملایا امام حسین اس لیے مقابلے میں آئے تھے کہ اس آپ کی جھگڑا نہیں تھا میرے نبی کی شریعت سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی مسلمان ہو کر اسلام پرو کرنے کو تیار نہیں تھا امام حسین اس کے مقابلے میں آ گئے آپ ذرا سوچو ایک یزید جب شرابی تھا جوائی تھا زانی تھا داڑھی ملا تھا میرے امام نے برداشت نہ کیا آج امام حسین کے نام لیوا زمین پر ہزاروں ہیں جو شہادت کا شربت بھی پیتے ہیں اور سر پر شراب بھی پیتے ہیں جو محبت میں یا حسین کا نام بھی لگاتے ہیں تازیہ بھی لگاتے ہیں علم بھی اٹھاتے ہیں اور امام حسین کے دشمن والے عمل بھی کرتے ہیں میرے پیارے آقا کے پیغمبر اللہ فرمائے تھا بتا تمہیں اپنی زندگی کو کہاں بلانا تھا کن کام ہو وہ جواب ہوگا ہمارے پاس اچھا شاید سیل صاحب ہمارے ساتھ